हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज, पिछले कुछ दिनों से कई व्हाट्सएप पर यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि यू आर टेम्परेरीली बैंड फ्रॉम व्हाट्सएप। ऐसा कुछ टाइम चलता है, कोई 5 घंटे के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, ऐसे व्हाट्सएप से बैन कर दिए जाते हैं। और ये एक ग्लिच भी है, मतलब व्हाट्सएप वालों को लगता है कि हमारा व्हाट्सएप है वो किसी कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, इसलिए टेम्परेरीली बैन कर देते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप पर भी और थर्ड पार्टी के जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उन पर भी। तो मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो यूट्यूबर ने मतलब कई दो दो तीन तीन मिनट तक टाइम वेस्ट किया सबका, मतलब कि टाइम खत्म होने के बाद आपका व्हाट्सअप चल जाएगा। लेकिन इसका रीज़न किसी ने नहीं बताया कि आता क्यों। तो चलो मैं आपको प्रूफ के साथ इसका रीज़न दिखाता हूँ, ये क्यों आता है और कैसे ये ठीक होगा। तो सबसे पहले लर्न मोर पे करते हैं। देखो, व्हाट्सअप की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, एक गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे अकाउंट एंड अकाउंट बैंस, तो हमको इस पे चले जाना है। आपको मतलब मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप खुद से जाके पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अकाउंट्स बैन के बारे में, यहाँ पे सारी सारी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ऊपर मैं चला जाता हूँ, इसके अंदर अकाउंट टेम्परेरीली बैंस अकाउंट्स, ठीक है, जो टेम्परेरीली बैंड अकाउंट है इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे का सारा है वो पढ़ सकते हैं कि ये क्यों आता है। इफ़ यू रिसीव इन एनी मैसेज सेइंग यूर दैट इज अकाउंट टेम्परेरीली बैंड, दिस इज मीन दैट यू आर लाइकली यूजिंग अनऑफिशियल वर्जन ऑफ व्हाट्सएप। पहला रीजन इसका ये कि गाइस, यदि आपका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है थर्ड पार्टी का जो भी व्हाट्सएप है, इसका जो आप पुराना वर्जन यूज करते हो, तो पहला रीजन ये हो सकता है, तो आप उसको जाके अपडेट कर लो। उसके बाद इफ़ यू डोंट स्विच द ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप स्टॉप एनी स्क्रैपिंग आफ्टर बिंग टेम्परेरीली बैंड यूर अकाउंट माइट बी परमानेंटली बैंड फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप। यदि आप ऑफिशियल व्हाट्सएप जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उस व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट वो परमानेंटली बैंड हो सकता है। देख सकते हैं आप, हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, इसका मतलब एक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित है। इसका मतलब कि आप व्हाट्सएप के अनौपचारिक संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, यानी पुराने वर्जन का यूज़ कर रहे हो आप, और आधिकारिक ऐप पर स्विच नहीं करते, मतलब जो ऑफिशियल है व्हाट्सएप वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो व्हाट्सएप उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी आपका अकाउंट है वो परमानेंट भी बैन हो सकता है, अभी तो टाइमिंग के लिए बैन हो चुका है। अनऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप्स जो हम थर्ड पार्टी के व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यो व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, GB व्हाट्सएप या फिर फोर्ड व्हाट्सएप, जो भी व्हाट्सएप आप इसको यूज़ करते हो, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। चलो हम इसको भी मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अनधिकृत व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपकी सुरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। यदि आप उनका उपयोग करते हैं तो क्या हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपका स्थान, आपका डेटा या फिर इसके द्वारा साझा की गई फाइलें निजी और सुरक्षित होंगी, आपका अकाउंट बैन किया जा सकता है, क्योंकि अनऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करना हमारी सेवा की शर्तों के खिलाफ है। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके व्हाट्सएप का एक्सेस है, अपने नंबर की पुष्टि करें। अब आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम जो थर्ड पार्टी के व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप उनकी कोई गारंटी नहीं लेता कि आपके डाटा के साथ क्या क्या हो रहा है। ये बात नहीं है कि हम, मैं भी हालांकि ये यूज़ करता हूँ, तो इसके क्या रीज़न वैसे तुम्हारे लिए ये यूज़फुल भी है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत से अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मैसेज अनसेंड करता है तो हमारे पास रह जाता है, और इसके अलावा बहुत सी प्राइवेसी इसकी सेटिंग है। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस भी है, क्योंकि इसके डाटा के जो हमारा डाटा वो जो ये व्हाट्सअप बनाया है उसके पास हमारा डाटा की सारी रिकॉर्ड रहता है। ये कोई ऑफिशियल व्हाट्सअप नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, आपको इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। यदि आप ऑफिशियल व्हाट्सएप यूज़ करते हो और फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ से जाके उसका व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए। यदि आप थर्ड पार्टी के जो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, GB फॉर व्हाट्सएप, तो इस तरह से आपको वर्जन देखने को मिल जाता है, जिसमें बताया जाता है कि इसका ग्लिच वो फिक्स किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज़, चैनल पर नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी क्या राय है, इस व्हाट्सएप को डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।